These are the only NCERTs that you technically need to do for civil services exam. शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक से। क्लास 9th की साइंस, क्लास 10th की साइंस एंड क्लास 12th की बायोलॉजी, इसके भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। पॉलिटी की एनसीईआरटीज की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल नेटवर्क, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दिस इज मोर फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री रादर देन पॉलिटी। इकोनॉमी की एनसीईआरटीज की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देन क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक, क्लास 11th एंड 12th की मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताबें। ज्योग्राफी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर क्लास 11th एंड 12th की चार एनसीईआरटीज। अगर आपको ये नहीं समझ आती तो क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटीज भी आप कर सकते हो। नाउ हिस्ट्री इज द वन सब्जेक्ट व्हिच हैज ऑल ऑफ दीस बुक्स। व्हाई? क्योंकि ये तीन ओल्ड एनसीईआरटीज हैं आपकी, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो क्लास 9th एंड 10th की ये जो इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, दीज रिलेट टू वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लास 11th की ये किताब थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन क्लास 12th की ये जो किताबें हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3, ये एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को अलॉन्ग विद दिस फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी ये आपका आर्ट एंड कल्चर कवर करती है। I've given 6 attempts at the UPSC Civil Services exam and उसमें मतलब this entire section of the bookshelf and ये optional, तो ये सारी किताबें मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी। Now natural सी बात है this is a bit too much, ये इतनी सारी किताबें आपको बिल्कुल नहीं करनी होती हैं। तो let's talk about what is the bare minimum basic resources जो आपको चाहिए in order to do well in any of the GS subjects। हिस्ट्री के लिए हमारे पास हैं 3 किताबें। स्पेक्ट्रम इसका लेटेस्ट एडिशन है, वो चलेगा। एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया। पॉलिटी के लिए यू हैव लक्ष्मीकांत, इसका लेटेस्ट एडिशन वर्क्स एंड पीएम बक्शी विच इज एसेंशियली बेयर एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, वो भी चलेगा। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, इसका भी लेटेस्ट एडिशन आपके पास है, तो वर्क्स। ज्योग्राफी के लिए हमारे पास 4 किताबें, एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 11th एंड 12th एंड इसके अलावा एक एटलस। इकोनॉमी के लिए हमारे पास केतन सर की हैंडबुक, इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक फर्स्ट एडिशन, ग्रेट रिसोर्स फॉर कवरिंग ऑल ऑफ योर बेसिक्स। एंड साइंस एंड टेक के बेसिक्स के लिए हमारे पास क्लास 9th 10th की एनसीईआरटीज एंड क्लास 12th की बायोलॉजी। इन सब में से किसी में से आपको फॉर्मूलाज नहीं करने हैं, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। All the best. So this is the basic book list that you have to do for GS1 Mains. इसमें आपकी हिस्ट्री की 3-4 किताबें आ जाती हैं बहुत बेसिक सी। स्पेक्ट्रम इफ यू हैव द न्यू एडिशन दैट ऑल्सो वर्क्स। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अगेन ये पूरी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप श्रेयांश कुमत जिनकी AIR 4 आई थी कुछ साल पहले, उनके शॉर्ट नोट्स कर सकते हो 20 पेजेस लॉन्ग ओनली। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, इसके लिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं मेंस में, सो यू नो इंपॉर्टेंट बुक्स। ऑल्टरनेटिवली उनकी बजाय आप कर सकते हो नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर, जिसके चैप्टर्स जो हैं यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपकी दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ यही चैप्टर करने की जरूरत है। देन यू हैव इंडियन सोसाइटी, दीज 2 एनसीईआरटीज आर अ मस्ट डू। देन करंट अफेयर्स एंड फिर ये 5 किताबें ज्योग्राफी की, 2 क्लास 11th की एनसीईआरटीज, 2 क्लास 12th की एनसीईआरटीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एटलस। टुडे विल टॉक अबाउट GS2 मेंस का यूपीएससी का सिलेबस क्या है एंड इसके सोर्सेज क्या हैं। 4 आपके मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज अ प्रीटी सॉलिड बुक, प्रीलिम्स भी आपका निकाल देगी, बट मेंस में आई वुड रेकमेंड DD बासु अगर आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हमें आर्टिकल्स एंड जजमेंट्स वगैरह कोट करने होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट में गिवन है, मेक्स इट ईजी फॉर यू। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वी हैव दिस बुक, राजीव सिकरी हु वाज एन IFS ऑफिसर। दिस बुक गिव्स यू द बैकग्राउंड, इसके बाद आपको करंट अफेयर्स से चीजें करनी ही करनी है। नाउ कमिंग टू गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में आपके स्प्रेड आउट सोर्सेज है बहुत सारे। गवर्नेंस में पर्टिकुलरली यू have to visit the official site where second ARC की सारी reports हैं। And social justice के लिए health, poverty, hunger, human resources, इन पे आप 1 pager अपने notes बना सकते हो after googling all of these things कि भाई exactly what is poverty, what is definition of hunger। ये सब अगर आपने कर लिया काफी अच्छे से तो you will be ready for GS2। यूपीएससी मेंस में GS3 की अगर बात करें तो बुक लिस्ट में 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक्स ही हैं। एक इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक, इकोनॉमी के बेसिक्स कवर करने के लिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी कवर करने के लिए। नाउ कमिंग टू द अदर सब्जेक्ट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ GS3 व्हिच इज साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनका 30 to 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। मेजर वेटेज इज ऑब्वियसली इकोनॉमी 125 मार्क्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी 50 मार्क्स। तो बाकी ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये काफी स्प्रेड आउट हैं। साइंस एंड टेक के लिए जो प्रीलिम्स की आप तैयारी करोगे विच इज दीज 3 एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 9 10th एंड 12th बायोलॉजी स्पेसिफिकली। बट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिस अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। NDMA की वेबसाइट पे आपको सारे मेजर डिजास्टर्स दिए हुए हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स। आप हर बिग डिजास्टर का एटलीस्ट जो रिसेंट 2-3-4 साल में न्यूज में रहे हैं उनके गाइडलाइंस फ्रॉम NDMA की वेबसाइट इटसेल्फ ले लो, क्योंकि अगर आप आंसर में लिखते हो कि NDMA गाइडलाइंस फॉर दिस डिजास्टर स्टेट दिस, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ती है। एंड फाइनली अगर एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट के लिए बेसिक आपने प्रीलिम्स के लिए जो किया है उसी को करंट अफेयर्स से हम सप्लीमेंट करते हुए यहाँ पे चलेंगे। सो एथिक्स केस स्टडीज़ अगेन कोई स्पेशल सोर्स नहीं है इसको पढ़ने के लिए, बट यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट फ्रेमवर्क्स इज द स्टेक होल्डर अप्रोच, कि भाई इस सिचुएशन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे एंड किसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसके कारण ये एथिकल डायलेमा खड़ा हुआ. दूसरा हमारा है कि हम सीधा एथिकल डायलेमाज मैप आउट कर दें. इंट्रोडक्शन आपके आंसर का होगा कि भाई इस सिचुएशन में ये 2-3-4 एथिकल डायलेमाज हैं. एथिकल डायलेमास जानने के लिए जो जस्टिस वाला कोर्स हमने किया था माइकल सैंडल का, दैट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई डायलेमास क्या क्या हो सकते हैं. देन द थर्ड अप्रोच दैट यू कैन फॉलो इज जस्ट राइट डाउन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड मैप देम टू पर्टिकुलर वैल्यूज, कि क्या यहाँ पे करप्शन हो रही है, करप्शन से प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्राइवेट बेनिफिट ऑन पब्लिक एक्सपेंस, सो दैट इज फैक्ट मैप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू. इस तरीके से अगर आप केस स्टडीज को अप्रोच करोगे यू विल फाइंड दैट योर लाइफ बिकम्स ईजियर, क्योंकि यहाँ से अब सीधा रास्ता निकल जाता है. बिकॉज आई एम श्योर आई डोंट हैव टू टेल यू दैट करप्शन इज बैड. जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस की बुक लिस्ट के बाद लेट्स टॉक अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बुक लिस्ट. एट द मोस्ट बेसिक लेवल ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं आपके लिए. ये किताब आपको पूरी नहीं पढ़नी है. दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स. जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो देन यू रेफर टू दिस. अदरवाइज ये 4 एनसीईआरटीज हैं जो आपका बेस बनाएंगी फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, बी इट फॉर पेपर 1 और पेपर 2. एंड देन यू हैव दिस ग्रेट बुक बाय नितिन सांगवान सर व्हिच इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिसोर्स फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. आफ्टर कंप्लीटिंग योर रीडिंग फ्रॉम दिस बेसिक बुक लिस्ट यू विल ऑल्सो हैव टू डू करंट अफेयर्स एज वेल एज इग्नू का BA और MA मटीरियल, बट उस मटीरियल में सिर्फ ये लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर अभी है ये चीज़ें आपको करनी है. ऑल द बेस्ट. When I first started preparing for sociology optional ये सारी किताबें मैंने खरीद ली थी. मुझे लगा कि भी ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट. सो पेपर 2 की तैयारी के लिए पेपर 1 की जो किताबें हैं वो तो डेफिनेटली आपने करी ही होनी चाहिए. पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा. बट Essential Sociology is still a great resource for both papers. Modernization of Indian Tradition is a great reader in order to help you understand the more technical aspects of sociology. And finally, Indian Sociological Thought by B K Nagla. This is a great resource for all Indian sociological thinkers. Apart from this, जो BA और MA का मटीरियल था वो लिस्ट आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा. The list is again on your screen.